आज का हमारा विषय है राजस्थान में आर्थिक नियोजन 11वीं योजना तक। राजस्थान एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। वर्षा के अभाव तथा रेगिस्तान की अधिकता के कारण यहाँ आर्थिक विकास अत्यंत कठिन है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े पैमाने के उद्योगों का नितांत अभाव, शिक्षा तथा चिकित्सा की स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई थी, परिवहन संचार सुविधाएं नगण्य थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान में आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन के रास्ते को अपनाया गया। राजस्थान में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। राजस्थान में आर्थिक नियोजन के महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 1, शक्ति के साधनों का विकास। राज्य में शक्ति के साधनों का अभाव दूर करने एवं दीर्घकालीन विकास हेतु आवश्यक आधार तैयार करने के लिए विद्युत का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए नियोजन की आवश्यकता महसूस हुई। कृषि का विकास। राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा ही सिंचाई के साधनों का विकास एवं कृषि की उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। पशुपालन एवं डेयरी विकास। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता या पशुधन का विकास डेयरी उद्योगों को विकसित करने के लिए भी अनुभव की गई। औद्योगिकरण। राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा कृषि खनिज तथा पशु धन आधारित उद्योगों का तीव्र गति से विकास करने और राज्य के औद्योगिक विकास की दर बढ़ाने के लिए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी तरह से परिवहन एवं संचार विकास। आर्थिक नियोजन अपनाकर ही राज्य में परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। नंबर 6, क्षेत्रीय विषमता में कमी। राज्य में संतुलित विकास हेतु राज्य सरकार ने योजनाओं में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का उद्देश्य भी रखा। सामाजिक सेवाओं में सुधार। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव की गई क्योंकि अभी राज्य में सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पीने का पानी, साफ सफाई आदि का नितांत अभाव रहा है। रोजगार। राज्य में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी विद्यमान है। आर्थिक नियोजन तथा रोजगार के अवसर सृजित कर एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। गरीबी निवारण। राजस्थान में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अकाल व सूखे, कुटीर उद्योगों के पतन व बेरोजगारी के कारण व्यापक स्तर पर गरीबी विद्यमान है। गरीबी निवारण के लिए रोजगार प्रदान कर जनता के आय में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट और लास्ट है प्राकृतिक प्रकोपों से मुक्ति। राजस्थान में अकाल व सूखा एक स्थायी समस्या है। एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान होने व वर्षों के अभाव में पानी की कमी होने से अकाल व सूखा राजस्थान की स्थायी समस्या बन गया है। इसलिए नियोजन से इस समस्या के निवारण की तात्कालिक एवं दीर्घकालिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के आधारभूत उद्देश्य इस प्रकार रहे हैं। सबसे पहला, अर्थव्यवस्था के विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना। दूसरा, पहले से सृजित विकास की संभावनाओं का अनुकूलतम उपयोग करना। तीसरा, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। चौथा, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के ढांचे में मूलभूत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराना। पांचवा, बेरोजगारों को रोजगारी के अवसर उपलब्ध कराना। और छठा, क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाना। इस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना से 11वीं योजना तक राजस्थान के बारे में जो उद्देश्य देश की विभिन्न पंचवर्षीयों के उद्देश्यों के अनुरूप ही रखे गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के जो उद्देश्य थे, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, सिंचाई व ऊर्जा की सुविधाओं का विस्तार करना तथा शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं एवं जल पूर्ति के मूल में मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इसमें कृषि, सिंचाई, ऊर्जा तथा सामाजिक सेवाओं के विस्तार पर बल जारी रहा, परंतु सिंचाई व उद्योग
विद्युत उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना में भी सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं का विकास करके आर्थिक ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया गया। औद्योगिक एवं खनिज विकास तथा सामाजिक सेवाओं के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इस योजना में क्षेत्र विकास की अवधारणा को शुरू किया गया। रोजगार अवसरों के सृजन तथा कमजोर वर्गों के आधार पर पहले से अधिक जोर दिया गया। भारी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में सूखा संभावित क्षेत्र, डेयरी विकास एवं कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें विकेंद्रित नियोजन पर नए सिरे से जोर दिया गया। कमजोर वर्गों के लोगों के उद्धार को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसके लिए लक्षित समूह है कार्यक्रम शुरू किए गए। इन लक्षित समूहों में छोटे किसानों, सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मिलित किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना, इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा निर्धनता उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिया गया है। इस योजना में नया 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है और आर्थिक ढांचे के निर्माण, उत्पादन वृद्धि तथा सामाजिक सेवाओं में विस्तार से संबंधित था। इस योजना में ग्रामीण निर्धन लोगों के आय के स्तर में वृद्धि करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की मूलभूत आवश्यकताएं थी भोजन, कार्य एवं उत्पादन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक बल देते हुए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन अधिकतम करना, निर्धनता उन्मूलन तथा रोजगार केंद्रित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना इनके प्रमुख उद्देश्य थे। आठवीं योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण सहित ऊर्जा का विकास, परिवहन, संचार, खाद्यान्न, दालों तथा फलों के उत्पादन में वृद्धि करने पर बल जारी रहेगा तथा साथ ही पर्याप्त मात्रा में निर्यात योग्य अतिरेक पर जोर दिया जाएगा। मानव विकास के लिए रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने, न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल तथा प्रत्येक गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। कृषि विकास हेतु सूखा संभाव्य वर्षा आधारण में पानी के गहनतम उपयोग का प्रबंध तथा सिंचाई एवं बागवानी, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन तथा व्यर्थ भूमि विकास हेतु कृषि के विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा। नवीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए इस प्रकार उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए अधूरे कार्यों को पूरा करना, विद्यमान परिसंपत्तियों का आधुनिकरण करना तथा उनको सुदृढ़ करना, समाज के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना, सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, उपलब्ध जन संसाधनों का कुशलतम पूर्वक उपयोग करना, अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों में जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पशुधन, पर्यटन, खनिज, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग आदि का विकास करना, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य एवं रोजगार पर विशेष ध्यान देना, आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना, मानवीय साधनों तथा तकनीकी कुशलता का विकास करना। दसवीं पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य रखे गए हैं वो केंद्र की जो दसवीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अनुरूप ही हैं। गरीबों को 2007 तक 5% तथा 2012 तक 15% कम करना, श्रम शक्ति की गुणवत्ता व लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना,
बच्चों की 5 वर्ष तक की शिक्षा 2000 तक पूरी करना, साक्षरता व मजदूरी में 2007 तक लिंग भेद 50% कम करना, 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 16.2% तक करना, साक्षरता की दर योजना अवधि में 75% तक करना, शिशु मृत्यु दर 2007 तक 45,000 प्रति हजार व 2012 तक 28 प्रति हजार करना, मातृ मृत्यु दर 2007 तक 2000 पर तथा 2012 तक प्रति हजार पर लाना, वन क्षेत्र में 25% 2012 तक और 33% की वृद्धि करना, सभी गांवों को स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना तथा 2007 तक मुख्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करना तथा 2012 तक अन्य अधिसूचित जल क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जो करीब 93,530.7 करोड़ रुपए आंकी गई है इसमें खर्चे की। भूख कुपोषण व निर्धनता तथा जीवन निर्वाह स्तर से नीचे की भुखमरी को मिटाना, अभावग्रस्त महिलाओं पर विशेष ध्यान देना, लाभप्रद रोजगार एवं जीविकोपार्जन के सृजन पर ध्यान देना तथा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, उत्तम शासन व राजकोषीय सुधार सुनिश्चित करना, मानवीय साधनों का विकास करना, सामाजिक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा सामाजिक क्षेत्र के अंतरालों को भरना, आर्थिक आधार ढांचों को सुदृढ़ करना आदि महत्वपूर्ण है।